फाइनली आज का वीडियो हमारा ग्रामर पर है, डूएस डायरेक्टेड पर। वो आंसर है, वो ग्रामर है जो अभी हमने बोर्ड के अंदर दिया है, जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। हम देखने वाले हैं आज डूएस डायरेक्टेड। आर्टिकल्स ये वन मास के लिए आता, इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नंबर टू पर प्रीपोजिशंस, ये आता है वन मास के लिए। इसके बाद जो है इनडायरेक्ट स्पीच, ये टू मास के लिए आता था, लेकिन इस मर्तबा से अब वन मास के लिए आया है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे कितने मास के लिए है क्वेश्चंस? थ्री मास के लिए। ओके, सबसे पहले देखेंगे हम आर्टिकल जो है वन मास के लिए। इसके अंदर आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट जो हम जानते हैं और एक होता है इनडेफिनेट जो हम नहीं जानते। तो ये है इनडेफिनेट ए और एन। इसके बाद जो है द, ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, द जब लगेगा जो बात को हम जानते हैं। ओके, प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन के अंदर तो आज हम विथ और इन देखने वाले हैं। ठीक है, विथ जो बताता है रिलेशनशिप बताता है या इसके मीनिंग होते हैं साथ, इन कहते हैं ज़्यादातर अंदर के वास्ते इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये फ्री पोजीशन का हमें वन मास के लिए दो फ्री पोजीशन लगाना है आधे आधे मास के लिए। ठीक है, अगर आपने जो भी लगाए है वो आप इस आंसर इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच वन मास के लिए आया है, इसमें दो बातें हैं। ओके, सबसे पहले हम सेंटेंस यहाँ तक राइट लिखते हैं, उसके बाद जो एक कॉमास है इसे निकालने के वास्ते हम क्या करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। ओके, फिर उसके बाद कौन बात कर रहा, तो यहाँ पे राधा एक लड़की है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, शी लगा दी। ओके, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वन मास का, व्हेन डैश अर्थ कॉक स्ट्राइक्स डैश वर्ड ट्रेम्बल्स। इसे कह रहा है इनसाइड एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेर एवर नेसेसरी एंड रीराइट इट। यहाँ पे हमें क्या करना है, आर्टिकल लगाना है। इसका आंसर व्हेन अर्थ कॉक स्ट्राइक्स डैश वर्ड ट्रेम्बल्स। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ कॉक, इस बात को हम जानते नहीं कि कौन सा स्ट्राइक होगा, कौन सा हमला भी हो सकता है क्या, नहीं पत्थर का, बारिश का, आग का, पानी का, कोई भी हमला हो तो हम नहीं जानते। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एन, और हम जानते हैं कि व्हेन अर्थ कॉक स्ट्राइक्स डैश वर्ड ट्रेम्बल्स, ज़मीन कांपेगी। कौन कांपने वाला है यहाँ पर, डरने वाला है ज़मीन, ज़मीन के शब्द यहाँ क्या, यहाँ पर क्या आया, द। ठीक है, व्हेन डैश अर्थ कॉक स्ट्राइक्स डैश वर्ड ट्रेम्बल्स, इस पर हमने एक अच्छे से आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पे जो हम नहीं जानते वहाँ पर एन, जो बात जानते हैं वहाँ पर द। ओके, दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रीपोजिशन, आई स्पेंड माई हॉलीडेज, मैंने अपने छुट्टियाँ गुजारी, ख़त्म कर दी, डैश सम फ्रेंड्स डैश इन अ वुडन हाउस, किस में गुजारे, लकड़ी के घर में। ठीक है, आई स्पेंड माई हॉलीडेज डैश फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएगा, डैश अ वुडन हाउस, यहाँ पर भी क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ख़ास प्रीपोजिशन लाना है। ओके, इसका आंसर आई स्पेंड माई हॉलीडेज, मैंने अपनी छुट्टियाँ गुजारी, सम फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स के साथ तो गुजारी है, लेकिन सम से पहले क्या आएगा, विथ आएगा। विथ क्या कर रहे हैं, इसका ताल्लुक बता रहा है कि किसके साथ गुजारा, मैंने अपने दोस्तों के साथ गुजारा, डैश अ वुडन हाउस, और किस में गुजारा, लकड़ी के घर में। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा। ओके, लोकेशन बताने के वास्ते इन आता। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राधा सेड टू द टीचर, राधा ने अपने टीचर से कहा,
I feel very happy to help my mother at home. मुझे बहुत खुशी महसूस होती है. क्यों होती है? कि मैं अपने मदर की जब हेल्प करती हूँ घर पर. कहाँ पे करती हूँ? घर पर. इसे क्या करना है? चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. इसका आंसर है, राधा सेड टू द टीचर दैट. यहाँ पे दैट क्यों आया? क्योंकि जो डबल कॉमास है इसे हटाने के वास्ते हमें क्या लगाना पड़ता है? दैट लगाना पड़ता है. ओके, राधा सेड टू द टीचर दैट. यहाँ पे क्या है? शी. क्यों शी है? क्योंकि बात करने वाली राधा है, जो बोल रहा है उसका जुमला आएगा. शी फील्स वेरी हैप्पी. फील्स क्यों आया? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है ये. शी फील्स वेरी हैप्पी टू हेल्प हर मदर एट होम. बहुत खुशी महसूस होती है जब मैं अपने मदर की हेल्प करती हूँ घर पर. ओके, तो ये वीडियो था हमारा 3 मार्क्स के लिए. और इस 2019 के क्वेश्चंस आए थे इसके ऊपर.